भी नहीं हुआ, बट उन लोगों ने हमेशा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। इन्हीं आवाज़ों के साथ में हम सभी लोगों के घर की एक शुरुआत होती है, तो मेरे घर की भी शुरुआत इन्हीं आवाज़ों के साथ में हो रही है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी होस्ट और दोस्त कंचन स्वागत करती हूँ इस नए ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग का टाइम है, आरव की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ ब्रेकफास्ट में। पहले मैं सुबह जब जल्दी उठती हूँ तो चाय के साथ में 2 रस ले लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर से मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो अभी मैंने चाय रस ले लिए हैं, उसके बाद मैं अपना किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और शॉल वगैरह डाल के मुझसे काम नहीं होता है यार, तो इसलिए मैंने शॉल हटा दिए और फटाफट से मैं अपने किचन का जितना भी क्लीनिंग का काम है निपटा लूँगी। उसके बाद जो भी मुझे कुछ टाइम मिलेगा उसमें मैं ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोगों के साथ में कुछ टॉकिंग करूँगी और फ़न करूँगी। एंड आज मैं आपको अपने बर्थडे का सारा डेकोरेशन का कुछ सामान भी दिखाऊँगी और कुछ उससे रिलेटेड टिप्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मशरंग एक्स्ट्रा बना लिए हैं, इनको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख लेती हूँ इस तरीके से, तो ये 2-4 दिन बाद फिर से मैं इसको बना लेती हूँ ताकि मेरी जो टाइम की सेविंग्स भी हो जाती है और मेरी मेहनत भी बच जाती है। ये देखिए, डेली रूटीन के कुछ काम होते हैं जो कि करते रहो तो सब कुछ मतलब सही बना रहता है, तुम्हारा रूटीन अच्छा चलता है, ठीक है। तो मैं ये ऑलवेज हमेशा करती हूँ, चाहे लंच हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, किसी भी टाइम भी अगर किचन में कुछ बनाती हूँ तो हैंड टू हैंड मैं अपनी गैस वगैरह और किचन वगैरह पूरा क्लीन कर देती हूँ, कभी छोड़ती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कभी कोई डिफ़िकल्टीज़ आती नहीं है। और जब हमें अपनी लाइफ में कुछ करना होता है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन लाना पड़ता है अपने आप में, तो जब तक आप अपने अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं डेवलप करेंगे तो तब तक आप लाइफ में इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है, पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, बट ठीक है, समय के साथ साथ सब चीज़ें बदलती हैं और मैंने भी अपने आप को बहुत बदला और उन बदलावों के बदले मुझे काफ़ी कुछ मिला भी है। तो वही मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करने का सोचते हैं तो पहले आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, उसके बाद आप चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। तो देखिए, ये मैं हैंड टू हैंड सारी ही चीज़ों को अच्छे से पोछ पोछ लेती हूँ, टाइल्स वगैरह भी अपने डेली की डेली साफ़ कर लेती हूँ। ये नहीं है कि 10-20 दिन हो गए अब उसके बाद फिर मैं बहुत सारी चीज़ें लेके बैठ रही हूँ और फिर रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, तो इतना नहीं होता। मुझे लगता है ये सब चीज़ें डेली रूटीन में अगर हम शामिल कर लेते हैं तो हमारी जो डेली लाइफ है बहुत ईजी हो जाती है। और सुबह को दूध आता है देखिए इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे दूध वूध बॉयल होने भी रख देती हूँ किचन साफ करने के बाद। पूरा फिनिश करना, ठीक है। तो अभी मैंने आरव को जो है दूध दे दिया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफी मैसी सा हो रखा है, तो ये टेबल अभी मेरा बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे कब है? मंडे ना। मंडे को मेरा बर्थडे है, तो ये कुछ उससे रिलेटेड ही सामान है डेकोरेशन का जो कि हम पहले से ले आए हैं, तो ये सारा वही है। बिकॉज मेरा भी बर्थडे है तो बर्थडे के लिए मैं जितना भी जो कुछ काम है अपने पहले से ही करने की कोशिश में रहती हूँ, जो काम मैं पहले से कर सकती हूँ वो पहले से कर लेती हूँ। तो अभी जैसे सोफ़े के कवर हैं या बेडशीट वगैरह है, ये सब चीज़ें मैं 2 दिन पहले ही चेंज कर देती हूँ और 1 दिन पहले मैं डेकोरेशन या जितनी भी जो कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं उनको कोशिश करती हूँ फिनिश कर लूँ, ताकि जिस दिन पार्टी होती है उस दिन हम लोग फुल एंजॉय कर पाएँ और जो लोग आते हैं वो भी फुल एंजॉय कर पाएँ। तो गाइस, ये मेरी मेड है और ये मेरे घर में मेरी काफ़ी हेल्प करवाती हैं और ये अपना नाम खुद बताई नहीं, बहुत शर्माती है, इन्हें बोलना नहीं आता है, कह रही है मेरे को बहुत डर लगता है। तो अपना नाम बताओ क्या है? रेनू। रेनू, समझ आया? ये हरियाणा की लैंग्वेज है थोड़ी सी, तो वो रेनू में भी टच आ रहा है, रेनू करके हम रेनू बोलते हैं, ये रेनू बोलती है उस चीज़ को। तो ये मेरे यहाँ क्लीनिंग का सारा काम करती हैं, बर्तन वगैरह सारा इनका डिपार्टमेंट है, मुझसे मतलब काफ़ी हेल्प रहती है मुझे इनसे। मेरी फैमिली का एक पार्ट है जो कि डेली आती हैं जाती हैं, तो चलिए अभी अपना काम स्टार्ट करेंगी, नहीं तो लेट हो जाएगी, और भी जगह ने काम करना है। ठीक है, रेनू कर लो अपना काम।
तो दोपहर के लिए मैंने जैसे बताया कि मैंने आज मसरंग बनाए हैं और वो मैं पहले बना चुकी हूँ रेसिपी, फिर कभी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे उसके साथ में राइस बनाए हैं। राइस और मसरंग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और मुझे मसरंग बहुत पसंद है। अभी मैं नहा धो के यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक और बिंदी लगा लेती हूँ बस। और ज़्यादा कुछ मैं घर में मैं कुछ भी नहीं पसंद करती हूँ, एकदम ऐसे ही रहती हूँ। और बिंदी लिपस्टिक भी अभी से 2 दिन से ही शुरू कर दी है जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, वरना मैं ये भी नहीं लगाती थी, एकदम ऐसे ही रहती थी। तो देखिए गाइस मेरे राइस जो हैं वो बन के एकदम रेडी हो चुके हैं और अब हम गरम गरम राइस और गरम गरम मसरंग खाने वाले हैं। अभी मैं पहले आरव को दे देती हूँ और उसके बाद मैं लूँगी। और इसके साथ में ना जब भी मसरंग वगैरह या कुछ भी आप, मैं पता नहीं, बच्चों को थोड़ा सा घी वगैरह देना मुझे अच्छा लगता है, देसी घी खिलाना चाहिए, थोड़ा सा ताकत वाकत आनी चाहिए उनके शरीर में। और ये देखिए मैंने आप लोगों से बात करते करते समय कितनी बड़ी गड़बड़ करी है। यहाँ पे सोफे के कवर बिछाने थे वो सब मैंने उल्टे पलटे बिछा दिए। जो हेड साइड में होते हैं वो मैंने नीचे बिछा दिए सेटिंग वाले एरिया पे, और जो सेटिंग वाले होते हैं वे ऊपर। तो यहाँ पे मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा था, लगा रहा था कि बस अपनी ही पटाई अपने आप कर लूँ, और मैंने कर भी ली। तो गाइस मैं अभी अपने बेडरूम में आ गई हूँ और ये कुशन और कुशन कवर वगैरह लेके यहाँ पे मैं आराम से बैठकर और इनको चेंज करूँगी। वहाँ पे मैं इतना कम्फर्टेबल नहीं फील हो रही थी, इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस भी आता है। जब भी आप कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हो तो उसके लिए एक डायरी में या कहीं पे भी जहाँ पे आप कुछ नोट वगैरह करते हो ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आप मतलब लिखकर सारी चीज़ों को प्रॉपर, सारी चीज़ें कैसे कैसे आपको क्या क्या चाहिए होगा आपकी पार्टी के लिए, क्या कैसी डेकोरेशन करनी है और सारा सब कुछ कैसे रेडी होना है, इन सब चीज़ों को मेंशन करिए। उसके बाद देखिए क्या क्या सामान आपके पास अवेलेबल है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उनमें से भी आपको ये देख लेना होगा कि क्या क्या सामान हम अपना इसमें से पहले से ला के रख सकते हैं। तो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे केक, अब बर्थडे पार्टी है मेरी तो मुझे जैसे केक वगैरह लाना है, तो केक तो हम पहले से नहीं लेके आ सकते हैं, सेम डे ही लाना पड़ेगा फ्रेश केक। तो ऐसी चीज़ों को छोड़ देना है, मार्क लगा देना है उन पे कि सेम डे ही आएंगी। बट हाँ उनका जो ऑर्डर वगैरह है उनको थोड़ा सा टाइमली अगर ऑर्डर कर दिया जाए तो उसमें परेशानी नहीं आती है। एंड उस जैसे डेकोरेशन का सामान वगैरह जो होता है वो हम पहले से ला के रख सकते हैं। तो जैसे मेरा बर्थडे भी परसों है मंडे को, तो मैं काफ़ी सारा सामान मैं कुछ ज़्यादा ही पहले ले आई, मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी रहती है हर चीज़ की, तो मैं थोड़ा सा आगे से आगे रहती हूँ इन चीज़ों में। और मुझे बहुत शौक है पार्टीज वगैरह करने का, इन सब चीज़ों से ना मेंटली भी और फिजिकली दोनों तरीके की थकान नहीं होती है, हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और चीज़ों को इंजॉय कर लेते हैं। तो बस यही थोड़ा सा ज्ञान बांटना था आप लोगों के साथ में, लेके आई बिफोर बर्थडे बस ब्राइट टू बी, ठीक है, जिस जो कि मेरे काम का नहीं है।
कि मेरे तो ये दिन चले गए और मुझे दोबारा ये ब्रेक बैंक बना भी नहीं है, एक ही बार बनी बस हो गया। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मुझे दिखाना नहीं चाहिए उसी दिन, पर मेरे को कुछ अच्छी लगती है तो मेरा मन करता है मैं सबको दिखा दूँ। तो आप लोग भी यार मेरी एज अ फैमिली ही हो, तो मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं मन कर रहा हूँ मैं दिखा दूँ। ये केक टॉपिंग के लिए लेकर आई हूँ मैं अपने बर्थडे के लिए, और ये कितनी प्यारी बनी हुई है ना, मॉडल कितनी क्यूट है, तो मतलब इससे मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ अपने आप को, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसको मैं अपने केक के ऊपर ठोकने वाली हूँ ऐसे करके, तो अच्छी लगेगी ना ये। तो अभी बच्चों ने कुशन कवर वहाँ पे कुशन लगा दिए हैं सोफे पे, वो चेक करते हैं कितने अच्छे लगाए हैं, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आरव और मम्मा मतलब अपनी मम्मा लोगों से कितना कैसे सीखते हैं, तो आइडिया हो जाएगा। बच्चों से आइडिया हो जाता है ना माँ कितनी होशियार है, तो आपको पता चलेगा मैं कितनी होशियार हूँ, मतलब मैं अच्छे से करती हूँ तभी तो मेरा बच्चा अच्छे से करेगा ना। तो चलो अभी आपको दिखाती हूँ अपने बच्चे की होशियारी। और अपनी परवरिश पर थोड़ा सा नाज होता है ना, ये देखो कितना अच्छा से लगा है। एंड कल मैं अपनी डेकोरेशन का एक नया ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो वो इससे भी और ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि उसमें हम अपना डेकोरेशन दिखाएंगे और एक नया टैलेंट मैं दिखाऊंगी कल आपको अपना। स्टाइलिंग छोड़ी है या हॉल्स वगैरह मैं नहीं करूंगी, वो सभी मैं अपना कंटिन्यू करूंगी, बट हाँ उसका मैं डेली नहीं, पहले भी डेली नहीं डालती थी, और उसका मैं वीकली ही मेरी एक वीडियो आती है वैसे ही वीकली मेरी एक वीडियो जैसे चलती थी वैसे ही आएगी। तो आप लोग मुझे छोड़ के मत चले जाना, कुछ जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो ऐसा ना हो कि ये सोच के कि यार उसने तो डेली ब्लॉग शुरू कर दिए हैं और अभी स्टाइलिंग बंद कर देगी मुझे छोड़ के जाने की अगर सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत हो, मैं सारा सब कुछ करने वाली हूँ, मल्टीटास्किंग बनना है मुझे। आजकल का वो टाइम है कि ऑलराउंडर होना चाहिए, तो कोशिश कर रही हूँ मैं भी ऑलराउंडर बनने की। मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं थक रही हूँ, मैं बैठ के बात करूँगी। चलो तो मैं बता रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स का बर्थडे वगैरह होता था, और मैं क्या करती थी कि मेरे घर में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता था, फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर देती थी कि हाँ शाम को 4 बजे आ जाना मेरा बर्थडे है, और घर में किसी को कुछ नहीं पता होता था कि मैं ऐसा कुछ करके आई हूँ। जब मेरे फ्रेंड्स आते थे तो पता चलता था अरे कि मैंने ऐसा इनवाइट कर रखा है, फिर मेरे घर में होता था नहीं हम कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, और फिर उनको मना कर दिया जाता था, फिर ऐसे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम में मतलब बहुत सारी चीज़ों में लकी रही हूँ मैं, ये नहीं अपना कुछ भी इमोशनली आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती हूँ फेक कि मैं अपना फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई झूठी कहानी सुनाऊँ, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं मैंने देखा है, तो इसलिए बट ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं है, जो है वो है। तो मैं लकी रही हूँ बहुत सारी चीज़ों में कि मेरे को इतने अच्छे मेरे भाई बहन मिले हैं, कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ अपने मायके साइड में, सबसे मायके क्या ससुराल क्या, मैं दोनों जगह ही सबसे छोटी हूँ, और मेरी दोनों साइड की फैमिली काफ़ी बड़ी बड़ी है, हम 4 बहनें हैं 1 भाई, तो वो सभी इतने अच्छे थे कि मैं छोटी थी तो उन लोगों का कभी कुछ नहीं हुआ, बट मेरी पता नहीं क्यों मैं इतनी जल्दी इमोशनल होने लग जाती हूँ कि मैंने बात शुरू भी नहीं की और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। बट मैं क्या बोलूँ, वो लोग साथ में बहुत अच्छे हैं, और उन लोगों ने मतलब उन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ बट उन लोगों ने हमेशा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। प्लीज इग्नोर कीजिएगा मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और सॉरी यार मैं, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ होगा, और मेरे लिए मेरा हर एक रिलेशन बहुत स्पेशल है, और मैं हर किसी को बहुत छोड़, मैं ये बात ही नहीं करूँगी, अगर मैं ये बात करने बैठी तो शायद रोती होंगी, और आप लोग भी होटे भाग लोगे कैसे रोती उसकी लड़की है, कल ये बोल रही थी मैं खुश रहती हूँ और आज ये रो रही है, तो मैं रो नहीं रही हूँ, ये मैं इसको रोना नहीं बोलूँगी, ये मेरे इमोशन है या ये मतलब मेरी मतलब मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार करती हूँ जो कि मेरे आंसू बन के बाहर आ रहा है। मैं अभी अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, पानी वानी पी के आ गई हूँ और वो पोर्शन मैंने कट कर दिया। मैं नहीं चाहती मुझे ऐसे कोई रोते हुए देखे, मैं चाहती हूँ मैं ऑलवेज स्माइल करूँ और सभी मुझे देख के भी लोग स्माइल ही करें। तो और हाँ, मेरा अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ क्या करना है वो सब आपको पता है, अभी बार बार नहीं बोलूँगी कि सब्सक्राइब करिए लाइक करिए, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।